यूपी और एमपी में खाद को लेकर जबरदस्त बवाल चल रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में खाद नहीं मिलने के कारण किसान बुरी तरीके से परेशान हो गया है। हालात इतने खराब है कि सुबह से लाइन में लगने के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल पाया है और ऐसे में यूपी से लेकर लखनऊ से लेकर वही टीकमगढ़ तक नाराज किसान हंगामे में उतर आए हैं। किसानों को डर है कि अगर खाद नहीं मिला तो उनकी फसल बर्बाद हो जाएगी। सहकारी केंद्र के बाहर किसानों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही है। आपको बता दें कि यूपी की राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज में स्थित असलम नगर की सहकारी समिति में खाद लेने पहुंचे किसानों ने जमकर हंगामा किया। नाराज किसान समिति के सदस्यों और बाबुओं पर कालाबाजारी का लगातार आरोप लगा रहे हैं। नगराम में किसानों ने सहकारी केंद्र पर इतना हंगामा किया कि उसे तुरंत जो है बंद करना पड़ा। दरअसल इस केंद्र में 300 बोरी खाद करीब एक हफ्ते के बाद आई और इसे लेने वाले करीबन 1200 किसान थे। बता दें कि यूपी में 90 लाख मेट्रिक टन डीएपी की जरूरत है लेकिन अभी तक 40 मेट्रिक टन ही उपलब्ध कराए गए हैं। खाद की कमी को लेकर सियासत भी अब शुरू हो गई है और समाजवादी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी सरकार में किसान लगातार परेशान होता आया है। किसानों का कहना है कि इस समय गेहूं, सरसों और आलू की बुआई का सीजन है और उनका जो है खाद अगर उन्हें समय पर नहीं मिला तो उनका फसल बर्बाद हो जाएगा। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में भी खाद की किल्लत से जूझ रहे किसानों ने हंगामा शुरू कर दिया है। टीकमगढ़ जिले के पलेरा नगर सहकारी केंद्र पर लंबे समय से खाद नहीं मिलने पर किसान जो है परेशान हो गए। उन्होंने जमकर हंगामा भी किया और सोमवार को उनकी नाराजगी हंगामे में इस कदर बदली कि उन्होंने जो है वहां पर तोड़फोड़ भी शुरू कर दी। किसानों का आरोप है कि वे कई दिनों से लगातार परेशान हो रहे थे लेकिन उसके बावजूद भी समय पर उन्हें खाद नहीं मिला। अगर समय पर खाद नहीं मिला तो इससे उनकी बुआई पर काफी भारी जो है असर पड़ेगा जिससे उन्हें भारी नुकसान हो सकता है। अब इस मामले में सियासत भी काफी ज्यादा गर्म हो गई और ये देखना होगा कि अब सरकार जो है इस पर क्या फैसला लेती है।